फिल्म अभिनेता प्रशांत शर्मा ने गादरवारा में किया वैक्सीनेशन महाभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर महावैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ गादरवारा के नर्मदा स्कूल गांधी वार्ड में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर नगर के युवा अभिनेता प्रशांत शर्मा ने महात्मा गांधी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर वैक्सीनेशन महाभियान का शुभारंभ किया। नगर वासियों से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस मौके पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए नागरिकों को फिल्म अभिनेता प्रशांत शर्मा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। शर्मा ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक कोविड-19 की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना सबसे प्रभावी उपाय है। कोविड-19 की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी सभी लोग कोरोना गाइडलाइन के अनुकूल व्यवहार अपनाएं और सतर्कता रखें। इस अवसर पर पूर्व विधायक साधना स्थापक, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नवनीत चाचा, युवा भाजपा नेता पवन पटेल, सुरेश श्रीवास्तव, अवधेश पांडे एवं एसडीएम प्रमोद सिंह गुप्ता, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं समस्त प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन लगवाने के लिए आए नगर वासियों में भारी उत्साह था। महिलाएं भी बड़ी संख्या में अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। संवाददाता सचिन जोशी की रिपोर्ट। इसमें अपनी समझदारी से भागीदारी दें और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफल बने, क्योंकि वैक्सीन एकमात्र उपाय है हमारे पास जो हमें कोरोना से मुक्ति दिला सकते हैं। ये अफवाह फैल रही है। देखिए, मेरा मानना ये है, इतनी बड़ी बीमारी की अगर कोई दवा बनेगी तो इससे थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा बहुत, लेकिन लोग क्या घबरा रहे हैं। बुखार आ जाता है, हाथ में दर्द होता है, तो लोग उसको कोरोना समझते हैं। हमने बचपन से पढ़ा है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। हमें मन से हारना नहीं है, जीतना है, और अपने हित के साथ साथ जनहित के वास्ते भी। धन्यवाद।